एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो बंदर था वो स्पीड स्टोन को काट रहा होता है यू उससे कहता है कि ठीक है ठीक है चलो पहले इसे घर में ले चलते हैं मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इसे काटने में उसके बाद ये लोग घर में उस पत्थर को ले आते हैं अपनी सॉर्ड को ये निकालता है और इतनी तेजी के साथ हमला करता है के साथ कि वो सारे पत्थर चकना चूर हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी पत्थर में से कुछ नहीं निकला होता है तो ये सोच रहा था हे भगवान ये स्कैम निकला मेरे पूरे पैसे डूब गए अब मैं क्या करूंगा और फिर क्या था बंदर को कह रहा था निकालो मेरे पांच हजार बेवकूफ बेकूफ तुम्हारी वजह से चले गए लेकिन वो बंदर कूद कर चला जाता है उस पत्थर को और भी खरोच रहा होता है वो सोच रहा था कि क्या इसमें सचमुच कुछ होगा भी या फिर नहीं होगा या उसे छूने की कोशिश करता है तो वो बंदर उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है वो कह रहा था तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारे वजह से मेरे इतने सारे पैसे पानी में डूब गए हैं और इसके अंदर से अभी कुछ निकला भी नहीं है मुझे भी देखने दो क्या ये सचमुच कोई स्पिरिट स्टोन है या फिर तुमने इसे अपने खेलने के लिए बस खरीदवाया है मुझसे उसके अंदर से लाइट निकलने लगती है और अब कंफर्म हो चुका था कि वो सचमुच का स्पिरिट स्टोन ही था ये बहुत खुश होता है ये एक लो लेवल स्पिरिट स्टोन होता है लेकिन बड़ा वाला था अगर ये इसके 20 30 टुकड़े कर डाले तो जितने पैसे इसने दिए हैं उसका हजार गुना प्रॉफिट ये निकाल सकता है लेकिन गलती से क्या होता है उसकी खुशी ज्यादा तक टिक नहीं पाती क्योंकि वो बंदर उस पूरे पत्थर को खा चुका होता है और फिर वहां पर चमकने लगती है एक बहुत तेज रोशनी और जैसे ही रोशनी हटती है हमें दिखाया जाता है सुपर सेन फोर को देखो लग रहा है ना सुपर सेन फोर जैसा गोकू भी गोकू का भी आंख में ऐसे ही था लेकिन याव खुश होता है वो कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाओगे तो तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगे लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक बंदा हथियार लेके याओ के पीछे आ गया होता है और वो याओ पे हमला करने वाला था वो सोच रहा था क्या क्या मैं अब मरने वाला हूँ लेकिन अचानक से आसमान से बहुत तेज बिजली कड़कती है जो कि घर तोड़कर उस चोर को लग जाती है और इधर हमें उस बंदर को दिखाया जाता है जिसे कुछ हो रहा होता है वो शायद अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो अचानक से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और काफी ताकतवर भी उसके बाद वो अपने मुंह से आग के गोले को बाहर निकाल रहा होता है लेकिन वो आग के गोले हवा में रहते हैं फिर इसे अचानक से कुछ होने लगता है फिर घर में चारों तरफ तहस नहस होता है, है पूरा घर गिर चुका होता है और याओ भी यहाँ पर बेहोश हो गया था सब लोग बेहोश हो गए थे वैसे वो जो चोर था वो मर चुका है यहां दूर से सब लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं कि क्या हुआ कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि ठंडर और साथ ही साथ वो फायरबॉल अचानक से उस जगह पे गिरी कुछ अजीब लग रहा है और इधर क्लाउड कह रहा होता है ब्रो

डीन को दिखाया जाता है यानी हमारे जो मिस टीचर होते हैं उन्हीं के ये ग्रैंड पा होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि ये घर के ऊपर गिरा हुआ है और इधर ये भी आ चुकी होती है याव के ढूंढने के लिए वो याव को उस मलबे में ढूंढ रही होती है और उधर डिप्टी डीन और टीचर के ग्रैंड पा यानी जो मेन हेड होते हैं वो भी रहते हैं इन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है एक घर के ऊपर अचानक से छह बार ठंडर गिरा है ये बहुत अजीब सी बात है क्योंकि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है और नेचुरल डिजास्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता चैंग और क्लाउड भी वहां पर आ चुके होते हैं और वो भी मलबे में से उसकी बॉडी ढूंढना शुरू करते हैं कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है आखिर अचानक से बिजली कैसे गिर सकती है और ये सब कैसे हो सकता है दोनों की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन फिर भी दोनों अपने दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं जितनी जल्दी हो सके तब तक आवाज सुनाई जाती है कि यहाँ पर एक बॉडी मिली है सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं उस बॉडी को देखने वाले टीचर अपने आंखों से आंसू रोक नहीं पा रही थी और सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है आखिर उसकी जिंदगी इतनी शॉर्ट कैसे हो सकती है उस बॉडी का बहुत बुरा हाल हुआ होता है क्योंकि इसी के ऊपर बिजली गिरी थी सबको लग रहा था कि ये याव है सब लोग बहुत रो रहे होते हैं कोई भी अपनी आंख से आंसू को रोक नहीं पा रहा सबसे ज्यादा तो टीचर रो रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है क्लाउड के पीछे कोई आता है वो मुड़ता है तो जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि ये याव होता है कह रहा था कि आखिर तुम लोग इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो मैं अभी तक मारा थोड़े ना हूं लेकिन क्लाउड अभी भी चिल्ला ही रहा होता है वो लोग कह रहे होते ब्रो तुम जिंदा हो यकीन नहीं हो रहा है याव कहता है क्या तुम लोग ये चाहते हो क्या कि मैं वहां पर मरा रहता तुम लोग जरा भी ठीक नहीं हो टीचर भाग के आती है और उसे गले लगा लेती है अच्छा हुआ कि तुम सेफ हो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है क्लाउड कह रहा होता है अगर वो बॉडी तुम्हारी नहीं है तो वो बॉडी किसकी है या उन्हें सारी बातें बता देता है कि ये पर्सन मुझे मारना चाहता था लेकिन अचानक से इसके ऊपर लाइटनिंग गिर गई और इसका ये हाल हो गया टीचर कह रही होती क्या फिर से किसी की इतनी हिम्मत जो मेरे डिस्पल के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है मैं इस मैटर के जड़ तक जाऊंगी और पता लगाऊंगी कौन है इसके पीछे फिर उसे इतना बुरा पनिश करूंगी कि वो सोच भी नहीं पाएगा ये कह रहे होते हैं टीचर को कि ज्यादा परेशान मत हो क्योंकि जब तक ये बच्चा हमारे स्कूल में है तब तक इससे हम अब कुछ भी नहीं होने देंगे और जिसने भी इसके साथ ये सब करने की कोशिश की है वो भाग नहीं पाएगा मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिर कब तक तुम दोनों ऐसे ही चिपके रहोगे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं शर्मा जाते हैं वो दोनों तुरंत ही अलग हो जाते हैं और फिर वो कह रहे होते हैं कि कोई हमारे स्कूल के जीनियस को मारने की कोशिश कर रहा है वैसे हमारे स्कूल से तो वो कोई भी नहीं हो सकता है क्यूँकी किसी की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो हमारे स्कूल में ऐसे प्रैक्टिस कर सके क्लाउड कहता है ब्रो हो सकता है कि तुम ही ने वो लाइटनिंग अटैक किया हो हो एनिमी के के ऊपर तुम तो सचमुच कमाल वो 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 कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं अरे 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 हम दोनों बंदर कहाँ पर है क्या वो ठीक है उधर चैंग ने बंदर को ढूंढ लिया होता है जो की बड़े आराम से खर्राटे मार के सो रहा होता है उसे सुरक्षित देख कर याओ को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है की चलो सब चीज ठीक है किसी को कुछ भी नहीं हुआ फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग हालचाल लेने के बाद वहां से चले जाते हैं और सिर्फ बचते हैं ये तीन तिगाड़ा याओ अपने पॉकेट से उस स्टोन को निकालता है और कह रहा होता है कि मैंने इस पर पांच हजार खर्च कर दिए हैं लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था कि यह सचमुच का स्प्रिट स्टोन ही निकलेगा वैसे मैं इसे बेच दूंगा और फिर जो भी हिस्सा निकलेगा तीनों में बढ़ जाएगा उसकी चमक से बंदर की आंख खुल जाती है और उसकी नजरें सीधे स्टोन पे होती है वो इतना तेज झपट्टा मारता है कि याओ को मौका ही नहीं मिलता है वो बंदर बहुत खुश होता है और इधर ये तीनों मुंह देखते रह जाते हैं कि इतना तेज कोई कैसे हो सकता है तब क्लाउड कह रहा होता है खैर इसे जाने दो लगता है उस छोटे बंदर को यह चीज बहुत ज्यादा पसंद है और वो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता वैसे भी चीज बहुत महंगी है तो हमें नहीं चाहिए चैन कहता हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है वैसे भी ये स्टोन बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है अगर कोई किंग भी होता तो वो भी इतनी आसानी से इसे शेयर करने के लिए नहीं मांगता सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम इसे अपने पास ही रखो और अपनी प्रैक्टिस जारी रखना मगर याओ कह रहा था कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ये रेयर है तो क्या हुआ लेकिन मैं तुम लोग के साथ इसे जरूर शेयर करूंगा क्या तुम पिछली रात की बात को भूल गए हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था इस बात को सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इनकी इमोशनल फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है अगले सीन में हमें इस लंबे बाल वाले को दिखाया जाता है जो लड़की से कह रहा होता है क्या वो पर्सन रियलाइबल है वो बोलती है हाँ मास्टर वो रियलाइबल है क्योंकि जो स्कूल के डिस्पल्स है सीनियर वाले डिस्पल्स वो उससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बहुत ज्यादा वो परेशान करते हैं और वैसे भी वो बंदा एक छोटी सी जगह से आता है और उसके कुछ ज्यादा दोस्त भी नहीं है तो अगर वो इस काम को करता है तो किसी को शक भी नहीं होगा और क्लू तो वो छोड़ेगा ही नहीं लंबा बाल कहता है कि ठीक है अभी फिलहाल के लिए इस मैटर को हम लोग साइड में हटाते हैं और दो दिन के बाद वो डीमन अभ्यास में जाने वाला है मैं चाहता हूं कि तुम उसका काम तमाम वहीं पे कर दो तो। उसके आगे वो जिंदा नहीं बचना चाहिए वो कहती है कि जी मास्टर पूरा काम हो जाएगा और वो चली जाती है ये इधर हंस रहा होता है और कह रहा होता है बिल्कुल एक बेवकूफों की तरह दो फैमिलीज खत्म हो जाएगी मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही निर्दय हो गया अगले सीन में हमें याव को दिखाया जाता है जो कि अपने घर लॉन्ग फैमिली में पहुंच चुका होता है वहां उसका स्वागत करने के लिए बंदा कह रहा होता है वेलकम लॉर्ड याव यहाँ पर उसकी मॉम होती है वो उसके अंकल होते हैं और शायद ये पिंक वाली इसकी फ्योन से है अभी बताया नहीं है लेकिन सिस्टर सिस्टर बोलता है यार कुछ समझ भी नहीं आता ये अंकल कहते हैं लेकिन तुम तो स्कूल गए थे ना आखिर तुम अचानक से वापस क्यों आ गए वो हंसने लगता कह रहा था जाहिर सी बात है मैं यहां मून को देखने के लिए आया हूँ वो कहती हाँ मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मेरे बारे में भूल ही गए हो वो मून को पकड़ लेता है कह रहा था कि देखो मैं किसी को भी भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ मून तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो अब मुंह उसे पकड़ के कह रही होती है कि कहां थे तुम इतने दिनों तक मदर ने मुझे यह कहा कि तुम प्रैक्टिस कर रहे थे और बुरे लोगों से लड़ रहे थे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो क्या क्या वो स्कूल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है अब अगली बार तुम चलोगे तो मुझे भी अपने साथ लेके चलना उसके बाद दोनों लेडीज वहां से चली जाती है अभी अंकल और ये होते हैं अंकल पूछ रहे होते तुमने मेरा जवाब नहीं दिया आखिर तुम यहाँ वापस क्यों आए हो वो कहता है कि मुझे इस बंदर के लिए कुछ अच्छे हर्ब चाहिए थे अंकल को गुस्सा आ जाता है वो कह रहे थे जल्दी से किंग बनकर वापस लौटना जाओ क्या कर रहे हो ये लॉन्ग फैमिली की इज्जत का सवाल है या कहता, अरे अंकल आप जरा शांत हो जाइए गुस्सा मत होइए ये।, ये कोई मामूली बंदर नहीं है इसका ब्लड लाइन डीमर डीमन एम्पेयर का ब्लड लाइन है मतलब इसके ब्लड में डीमन एम्पेर का खून दौड़ रहा है वो कहते हैं क्या सचमुच डीमन एम्पेर का ब्लड लाइन है

इधर वो बंदर हमेशा की तरह अपनी नाक में उंगली कर रहा होता है तब तक ग्रैंडपा वहां पे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए वो ग्रैंडपा को देखता है और प्रणाम कर रहा होता है उसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं ग्रैंडपा बोल रहे होते जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे लगा नहीं था कि सिक्स ये ईयर मैक्यू होगा लेकिन वो सब तो ठीक है मैंने ये नहीं सोचा है कि इसका एक्टिव ब्लड लाइन है तुम बहुत ज्यादा लकी हो तुम्हें अच्छे से कल्टिवेशन करना चाहिए लेकिन बस दिक्कत एक बात की है वो बात यह है कि देखो इसकी आइडेंटिटी अननोन है और वहां पर कुछ एल्डर्स ऐसे हैं रॉयल स्कूल में जो बहुत अजीब है मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो लोग तुम्हें इस बंदर से अलग ना कर दें लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि कुछ भी इम्पोसिबल नहीं होता है यहाँ तक कि अगर एम्पायर भी चाहे तो एक डीमन एम्पायर पूरे डायनेस्टी को 500 सालों तक प्रोटेक्ट कर सकता है तुम जरा भी चिंता मत करना मेरी कुछ जान पहचान है डायनेस्टी में मैं उनसे बात कर लूंगा वो कहता है, है ग्रैंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अंकल को वापस उनके रूम में जाकर छोड़ देता हूँ इस तरफ या अंकल के पास आता कह रहा होता है कि अंकल अब आप आराम से रहिए ज्यादा चिंता मत करिए जब मैं एक बार युवान जनरल के खिलाफ लड़ने के लायक हो जाऊंगा तब मैं आपके लिए वो सारे मेडिसिन ढूंढ के लाऊंगा जिससे आप वापस अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं अंकल कहते हैं मेरे बारे में सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अब अब ये सब खत्म करते हैं ठीक है मैं नहीं चाहता हूँ मेरे मेरे बारे में और ज्यादा चिंता करे तुम उस बंदर का अच्छी तरीके से ख्याल रखना या कहता है अंकल अब आप आराम से रहिए और बस दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे चैनल भी है सब्सक्राइब कर दे यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए